तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जनवरी 2024, साल का पहला दिन, और होपफुली आप लोगों का दिन अभी तक बहुत अच्छा बीता होगा। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आज शाम, अभी शाम को 7-8 बज रहे होंगे। और आज से मैं ये कोशिश करूंगा कि हर रोज कम से कम एक वीडियो डाला जा सके, हर रोज एक वीडियो, यानी 365 दिन 365 वीडियोस। देखते हैं कितना दूर तक मैं इसको लेकर के जा पाता हूँ। अच्छा, एक बात और कि मैं बहुत ही जल्द एक छोटा सा टूर मैंने प्रोग्राम किया है, प्लान किया है। लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर दूर जाना है, एक दिन रुकना है और वापस घूम करके आ जाना है। तो आप लोग अगर उस टूर को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद देखते हैं, 5 तारीख को शायद मैं यहाँ से निकलूँगा उस टूर के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा बेटा जिद कर रहा है कि उसको साइकिल चलाने के लिए जाना है, तो चलिए निकलते हैं उसको साइकिल चलाने के लिए और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ूंगा और वो साइकिल चलाएगा। अभी सीख रहा है, 10 साल का है, तो चलिए चलते हैं। साइकिल को लेकर के जा रहा है, अधिकतर ये अपने चाचू के साथ ही साइकिल चलाता है, लेकिन आज 1 जनवरी है, मेरा भी दुकान बंद है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ और इसके चाचू हैं अभी हॉस्पिटल में। ये मेरे घर के पास का दुर्गा मंदिर है, अधिकतर हम लोग यहीं पे साइकिल चलाने के लिए आता है। और मेरे को पता नहीं है कि कैसे साइकिल चलाता है, मैंने बहुत पहले इसके साथ एक बार ट्राई किया था, उस दिन उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बहुत जल्दी एक छोटा सा टूर पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चेन को मैं ल्यूब और क्लीन कर लेता हूँ। कोई कपड़ा ढूंढ रहा हूँ, एटा किसका कपड़ा उठा मैं ले जा भावा नीचे बुला। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है, हो क्या रहा है कि जब भी मैं चेन ल्यूब और क्लीन कराने जाता हूँ तो वहाँ पे 200 रुपये करके मुझसे चार्ज किए जाते हैं। तो मैंने पिछले बार जब जमशेदपुर गया था तो मोटुल का चेन क्लींजर और चेन लुब्रिकेंट लेकर के आया हूँ, एक ब्रश लिया है जो लगभग मुझे 500 रुपये का, 600 रुपये का पड़ा। चेन जो ब्रश है वो 100 रुपये का, और जो क्लींजर और ये है ल्यूब है वो 250-250 रुपये का। तो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, साइड करके लगा दिया हूँ, अब इसको साफ करते हैं। चेन हो गई है टनाटन, ल्यूब होगा आपको, देखिए एक नंबर हो गया चेन। इतने पैसे के 200 रुपये लिए जाते हैं भाई लोग। थोड़ा अगर बाइक वगैरह रखते हो तो ये सब का चीज का ध्यान रखो कि थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे ज्यादा बचा सकते हो। चैनल ल्यूब हो गई है गाइस, और मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि मैंने बाइक में अभी तक कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा लगवाई हैं। तो ये मेरी बाइक है और इसमें ये जो ऑन रोड प्राइस है ये 2,48,500 के आसपास लगा।
इसमें क्या है कि अब तक जो ऑन रोड था उसमें से ये जो लेग गार्ड है, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है बाहर से। ये जो वहाँ पे शोरूम में मिल रहा था उसका प्राइस लगभग लगभग 3-4 हज़ार के आसपास था, तो ये बाहर से मैंने स्टील की लगवाई, इसका प्राइस लगभग लगभग 2200-2250 के आसपास आकर के खड़ा हुआ। और ये जो आप सिम कार्ड देख रहे हो, ये सिम कार्ड भी मैंने बाहर से लगवाया, इसका प्राइस लगभग लगभग 950 रुपया का। ये दो चीजें लगाने के बाद मैंने लगवाया ये सिमटेक का मोबाइल होल्डर। ये जो सिमटेक का मोबाइल होल्डर, इससे पहले भी मैंने एक मोबाइल होल्डर लगवाया था लेकिन वो बहुत ही जल्द टूट गया, और 250 रुपया, 280 रुपया लिया था उसका, जमशेदपुर में उसको लगवाया था। और सिमटेक का क्या है ना कि सिमटेक का 1350 रुपये, उस दिन मैंने उसका ब्लॉग भी दिखाया था आप लोगों को, तो सिमटेक का 1350 रुपये लगता है, 1250-1300 रुपये, लेकिन काफी अच्छा है, मजबूत है। और इसमें बॉल हेड है, यानी आप राइट लेफ्ट अप डाउन सब तरफ से इसको यहाँ पे घुमा सकते हो, ये बॉल हेड का है, ठीक है। और जो मैंने पहले लिया हुआ था वो फिक्स था तो उसको आप घुमा नहीं सकते थे। ये एक चीज लग गया, ठीक है। ये एक चीज लगने के बाद और मैंने दो तीन चीजें और एक बार मंगवाई थी, ये आप जो देख रहे हो, ये बाहर से मैंने मंगवाया था। ये रियर का जो क्या बोलते हैं, रियर ब्रेक का जो ब्रेक फ्लूइड है उसको प्रोटेक्ट करता है, कि अगर ये वाला अगर पत्थर वत्थर से कहीं पर अगर कुछ लग जाए और टूट जाए तो, या फिर आपकी गाड़ी ही गिर गई और वो फट गया या फिर वो टूट गया और उसमें से सारा फ्लूइड निकल गया, तो फिर ब्रेक वगैरह काम करेगा, सही से काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको मंगवाया था। एक चीज हो गया ये। एक दूसरी चीज है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये इसी के साथ था। यहाँ पे रबर वगैरह को, ये इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, सिलेंडर प्रोटेक्टर बोलते हैं शायद इसको। और जो तीसरा चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये भी मैंने बाहर से मंगवाया, काफी अच्छा काम करता है। कहीं कहीं पर मैंने YouTube में वीडियो देखा कि ये सही से काम नहीं करता या फिर खुल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खुलता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी तरह से, कहीं पे अगर नरम मिट्टी है वगैरह है तो इतना भारी गाड़ी आपके होने के बाद मिट्टी में धंसने लगता है, तो ये मिट्टी में धंसेगा नहीं, उसके लिए है। तीन चीज मैंने बाहर से लगवाया, तीन और ये एक, चार और ये दो, पांच छः, और इस पर लगा है ये एक्सटेंडर, ठीक है। ये जो एक्सटेंडर है ये क्या करता है कि इस सीट को थोड़ा सा पीछे ले जाता है, यानी अगर एक फैमिली पूरी बैठ रही है, मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा, तो अगर इसको मैं नहीं करता हूँ तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है यहाँ पे। अगर इसको कर देने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगभग लगभग 2 से 2.5-3 इंच का जगह और मिल जाता है, तो आपका सीट जो है, हाँ थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो लास्ट में आपका बैठेगा, यानी मेरी वाइफ जो बैठती है, तो उसको बार बार लगता है कि पीछे गिर ना जाओ, गिर ना जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, गिरने का कोई चांस नहीं है, यहाँ से कोई थोड़ी गिर सकता है। तो गाइज इतना ही था, इतना ही कुछ लगवाया है लगभग लगभग अभी तक। इसके ऊपर गाड़ी लेने के बाद जो मेरा खर्चा आया है वो है, तो आपको इसका 2200 रुपया, उसका 900 रुपया, 3100 रुपया। ये जो मंगाया था मैंने, इसका लगभग लगभग, ये तीनों का एक सेट आता है अमेजोन पर, उसका लग गया था 2000 रुपये या 1800 रुपये के आसपास। तो 3100 और 2000 मान करके चलिए, 5100, यानी 5000 रुपया, 5000। ये जो एक्सटेंडर लगाया था इसका 650 रुपया, 5650, और इसका 1350 रुपया, यानी 5000 और 2000, 7000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा इस पर खर्चा किया है। एक चीज और बता देता हूँ, आप जब इसको मंगवाते हो तो इसके साथ एक आपको फ्रंट का भी इसका प्रोटेक्टर टाइप का मिलता है, लेकिन उसको नहीं लगाना ही ठीक है, क्योंकि ये काफी हार्ड मटेरियल का है, लोहा का है, तो आपका ये ऐसे ही टूटने वाला नहीं है। वो तो खैर चलो प्लास्टिक का है वो टूट सकता है, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, तो इसको मंगा करके कोई फायदा नहीं। और ऊपर से इसके ऊपर जो पिंस यहाँ पे लगे हुए हैं, इन दोनों को खोलना पड़ेगा, फिर उसको माउंट को लगाना पड़ेगा, फिर ऊपर से स्क्रू लगाना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा ढीला रह जाता है। तो बस इतना ही कहना था। और इस पर और एक्स्ट्रा खर्चा बोलने का, तभी मैंने आपको जो चेन ल्यूब और चेन क्लीनर दिखाया था वही है बस। कि अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि अच्छा लगता है यार, थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, बीच बीच में चेक करता हूँ, अगर एक आध भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो मन को बहुत खुशी लगती है कि चलो भाई एफर्ट डाल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन काम तो आ रहा है। कोई कमेंट ही डाल दिया करो, लाइक्स ही डाल दिया करो,
बस इतना ही कुछ कहना है। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेरा पूरा मोहल्ला है। कुछ इस तरह से लोग हैं, कुत्ते हैं, गाड़ी रखी हुई है, लोगों के घर के बाहर ईंटें रखी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग दोस्त लोग एक जगह जा रहे हैं थोड़े से घूमने के लिए। देखते हैं, अगर वो शूट कर पाता हूँ तो वो शूट करके आपको फिर बताता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सूर्य मंदिर का है। यहाँ पे हम लोग अभी आए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ये वीडियो और इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो फोटोज़ हमने क्लिक करी। ये एक फ़ोटो है, ये जो देख रहे हैं ये दूसरा फ़ोटो है।